हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है हम जनरल अवेयरनेस के बारे में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपके पास हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, जोग्राफिया हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई करंट इश्यूज हो, तो जनरल अवेयरनेस में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं क्लियर होंगे, और उसके रिलेटेड जो है हम डेली जो है एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज हम पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू जो है वो है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। उस एसिड का नाम बताओ जो लेमन के अंदर होता है। ठीक है, तो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। हमें पता है जो लेमन जो है दे आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, और लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, हु डिस्कवर्ड पोटेशियम? आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पोटेशियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम को डिस्कवर किसने किया है। तो जिसने पोटेशियम को डिस्कवर किया है उनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ये पर्सनालिटी है जिसने पोटेशियम को डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, कन्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो कन्हा नेशनल पार्क है हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में ये है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कन्हा नेशनल पार्क जो है हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश स्टेट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर फोर साइंस के रिलेटेड है, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर प्रेशर आप किसी सब्सटेंस का बढ़ा लेते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया वॉज बिल्ट बाई बेगम बेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको बेगम बेगा ने बनाया है। तो जो वो साइट है उस साइट का नाम है हमायूं टम्ब। हमायूं टम्ब जो है, हमारे पास ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इंडिया के अंदर है और इसे बेगम बेगा ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, वियर इज द एलिफेंटा केव सिचुएटेड? एलिफेंटा केव जो है इंडिया में किस स्टेट के अंदर है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। एलिफेंटा केव जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि साइंस का क्वेश्चन है, द पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स, साउंड की जो पिच होती है तो हम हमें अगर उसे मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी से। पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर एट, ये भी हमारे पास कल्चर का क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर का। विच इज द प्रिंसिपल फेस्टिवल ऑफ केरला? केरला का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है? वो है ओनम। ओनम, ONM, ओनम जो है इज द प्रिंसिपल फेस्टिवल ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर नाइन साइंस के रिलेटेड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकली नाम है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, इन विच ईयर द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन अमृतसर? किस साल जलियांवाला बाग मैसेकर जो है अमृतसर में हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आसान सा क्वेश्चन है, 1919 में हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, जिस दिन बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन? अगर किसी बंदे को लोकसभा इलेक्शन लड़ना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो मिनिमम एज जो है उसकी 25 साल होनी चाहिए। 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन को लड़ने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे, विच इंडियन स्टेट इज नाउन फॉर इट्स वंडरफुल बीचेस? हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी स्टेट है जो वंडरफुल बीचेस के लिए जानी जाती है? तो कमेंट सेक्शन में आप सब हजरात जो है मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी दंदनाती हुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है या कोई दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप इंडिविजुअली लेक्चर सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।